नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिबानी नथानी और वक्त हो गया है अफवाहों पर विराम लगाने का। तो लाए डिटेक्टर टेस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज बात होगी टोल टैक्स वसूलने वाले हाथी की। पड़ताल करेंगे पॉलिथीन में बंद बच्चों की, साथ ही तस्वीरें पाताल की तरफ जाती कारों की भी करेंगे। लेकिन शुरुआत ऐसे वीडियो के साथ जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ओम की आवाज हजारों गैलन पानी को हवा में उछाल देती है। क्या ओम के उद्घोष में ऐसी शक्ति है? चलिए करते हैं पड़ताल। ओम की आवाज से फवारा फूटने का सच, ये वीडियो सिर्फ 15 सेकंड का है, लेकिन 15 सेकंड में वो दावा किया जा रहा है जिसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। दावा साक्षात चमत्कार का हो रहा है। दावा ओम की शक्ति से फव्वारा फूटने का किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पानी को उछाल सकती है ओम की आवाज? क्या ओम के उद्घोष से पानी हजारों फीट ऊंचा उठ सकता है? आखिर क्या है ओम की ऊर्जा से चलने वाले फव्वारे का सच? यकीनन इस वायरल वीडियो में जो कुछ भी दिखाई और सुनाई दे रहा है, पहली नजर में वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन एक सच ये भी है कि कभी कभी चीजें जिस तरह से दिखाई देती हैं, असल में वैसी वो होती नहीं है। इसलिए हमने इस वायरल वीडियो का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। पड़ताल की शुरुआत में हमने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। वीडियो की शुरुआत में पहाड़ी पर एक लड़की नजर आ रही है जिसने अपने हाथ में माइक पकड़ रखा है। वीडियो के 5वें सेकंड में लड़की माइक से ओम का उद्घोष करने लगती है, जिसके बाद खाई में वो नजारा दिखता है जो इस घटना के चमत्कारी होने का दावा करता है। क्योंकि वीडियो में जैसे जैसे ओम की आवाज तेज होती है, गहराई से फूट रहा फव्वारा पहाड़ की ऊंचाई को पार कर जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कहां हो रहा है और क्या ये मुमकिन है? तो इनमें एक सवाल का जवाब वायरल वीडियो के साथ शेयर किए जा रहे मैसेज में ही दिया जा रहा है। लिखा है, थाईलैंड में एक पर्वत के नीचे पानी का झरना है, जिसके बाजू वाले पर्वत पर ओम का उच्चारण करने पर पानी का फव्वारा बनकर पर्वत से भी ऊपर तक उछलता है। यह किसी बौद्ध साधु ने बनाया है। पानी का वजन गुरुत्वाकर्षण से भी इतना ऊपर, पानी सिर्फ आवाज की तरंग से कैसे जा सकती है? ये कोई वैज्ञानिक ही बता सकता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ ओम बोलने पर ही होता है। ये भी एक अजूबा है, इसे कई भारतीयों ने भी ट्राई किया है। वीडियो के साथ वायरल हो रहे अगर मैसेज पर गौर करें तो पहली नजर में ये जान पड़ता है कि ये वीडियो थाईलैंड का है, जहां फव्वारे के सामने ओम का उच्चारण करने वाला टूल भी लगाया गया है और इस पूरे एरिया को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह विकसित किया गया है। तो क्या यह टूल ओम के उच्चारण को बढ़ाने के लिए लगाया गया है? क्या यह ओम नाम के महामंत्र से फूटने वाला फव्वारा किसी बौद्ध साधु ने प्रकट किया? जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है, चौंकाने वाले इस दावे का सच सामने लाने के लिए हमने अपनी पड़ताल वायरल मैसेज में दी जा रही जानकारी से शुरू की। तो हमें पता चला कि बौद्ध धर्म में भी ओम के उच्चारण का खासा महत्व माना गया है। बौद्ध धर्म में ओम की ध्वनि को ध्यान की ध्वनि माना जाता है। तो क्या यह माना जाए कि थाईलैंड के बौद्ध साधुओं ने ओम की ध्वनि से नियंत्रित होने वाले फव्वारे का आविष्कार कर लिया है? जब ऐसे किसी आविष्कार के बारे में हमने इंटरनेट की परतें खंगाली तो हमारे हाथ ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी। इसके बाद वायरल हो रहे दावे पर हमारा शक गहरा गया। अब हमने
इस बात को ध्यान में रखकर अपनी पड़ताल आगे बढ़ाए कि कहीं इसके फवारे के पीछे विज्ञान की कोई तकनीक तो नहीं। हैरानी की बात यह कि थोड़ी ही देर में हमारे हाथ ऐसे कई वीडियोस लगे जिसमें इसी तरह आवाज लगाने पर फवारा आसमान छू रहा हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। बारी बारी करके इन दोनों वीडियोस को बड़े ध्यान से सुनिए। इन दोनों ही वीडियोस में आवाज गूंजते ही फवारा ऊंचाई की तरफ फूट पड़ा। जब हमने इन दोनों फवारों के पीछे मौजूद तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हम चाइना म्यूजिक फाउंटेन की वेबसाइट पर पहुंचे, जिस पर साउंड के सेंसर से कंट्रोल होने वाले फवारे के बारे में जानकारी दी गई थी। चीनी वेबसाइट से हमें जानकारी मिली, उसकी पुष्टि करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स की मदद ली। ऐसा नहीं है कि ओम के स्वर से ही फवारा ऊपर उठ रहा है, ऐसा लगता है कि जो ध्वनि है, ध्वनि से ही जो है फवारा ऊपर जा रहा है। अब ध्वनि से फवारा ऊपर कैसे जा रहा है, साइंटिफिकली इसमें ये कारण हो सकता है कि कई ऐसी डिवाइसेज उपकरण होते हैं जो ध्वनि की किरणों को बिजली या इलेक्ट्रिकल रेज में चेंज कर सकते हैं और उससे आप फवारे को ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं, और जितना जितना पावर उसको देंगे, जितना जितना उसको ऊर्जा मिलेगी, उतना उतना फवारा ऊपर जाएगा। तो वो एक यंत्र है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं ध्वनि से, तो ऐसा प्रतीत होता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि यह विज्ञान की एक तकनीक है, ना कि ओम के उच्चारण का चमत्कार। पड़ताल के दौरान हमें चीनी वेबसाइट से चौंकाने वाली कई और जानकारियां भी मिली। मसलन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चीन में ध्वनि तरंगों से चलने वाले फवारे का चलन बढ़ा है। चीन में अलग अलग जगह पर ऐसे 100 फवारे लगाए गए हैं जिनकी मोटर आवाज के सेंसर से ऑन और ऑफ होती है। चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि जिस वायरल वीडियो में ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है वो भी चीन का ही है, न कि थाईलैंड का। उत्तरी चीन के शांजी प्रांत के कैशगेन पर्वत पर यह फवारा लगाया गया है। तो हमारी पड़ताल में पाया गया कि वायरल वीडियो में ओम के उच्चारण से फवारा फूटने का दावा पूरी तरह गलत है। साथ ही इस वीडियो के थाईलैंड के होने का दावा भी हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ है। टीम न्यूज नेशन। भूस्खलन का एक वीडियो आज दिनभर फेसबुक और व्हाट्सएप पर छाया रहा। एक वीडियो में पूरा पहाड़ जो है भरभराकर गिरता हुआ नजर आया। वीडियो कहां का है इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन का है, जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही पहाड़ गिरना शुरू हुआ ये अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को मटियामेट करता हुआ चला गया। वीडियो में लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। तो तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन की ये जो तस्वीर है, पूरे दिन आपको बता दें कि अभी तक ये फेसबुक पर काफी ज्यादा वायरल होता रहा। आप देखिए कि अचानक किस तरह से भरभराते हुए ये गिरता है और जो कुछ सामने नजर आता है उसको अपने साथ लेता नजर आता है। चलिए, भूस्खलन के बाद सड़क धंसने का एक वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जो कि दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो में सड़क पर खड़ी कारें अचानक जमीन में धंसने लगती है। इस वीडियो को कुदरत की तबाही वाले कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो कहां है, कहां का है इसकी पुष्टि वीडियो के साथ नहीं की जा रही, लेकिन माना जा रहा है कि वायरल वीडियो यूरोप का हो सकता है। तो तस्वीरें देखिए, अचानक से धंसने लगती है जमीन और ये सारी की सारी कारें मानो जमीन के अंदर समा जाती है। देखिए, देखते ही देखते एक एक कर ये कारें जमीन में धंसती चली गई। वहां चीखने चिल्लाने की आवाज भी आप सुन सकते हैं लोगों की। अब तक आपने इंसानों या सरकारों को ही टैक्स वसूलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी हाथी को टैक्स वसूलते देखा है? जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इन दिनों छाई हुई है। ये वीडियो श्रीलंका के एक इलाके की बताई जा रही है जिसमें एक हाथी ने हाईवे पर कब्जा कर लिया और हर आती जाती गाड़ी को रोककर उनकी तलाशी लेने लगा।
चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गाड़ी में हाथी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता उसे तो यह हाथी जाने देता, लेकिन जिस ट्रक या गाड़ी पर खाने का कोई भी सामान लदा मिलता, मनमौजी हाथी गाड़ी से अपना हिस्सा उतार लेता, मानो ये जताने की कोशिश में हो कि अगर आगे बढ़ना है तो उसकी कीमत तो चुकानी होगी। सोशल मीडिया में भी हाथी के इस वीडियो को टोल टैक्स वसूलने वाले हाथी के तौर पर शेयर किया जा रहा है। चलिए अब हम आपको हमिंग बर्ड का एक दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं जिसे जूस की लत कुछ इस कदर लगी कि वो जूसर से खुद जूस पीते ही नजर आए। हमिंग बर्ड एक छोटी और रंग बिरंगी चिड़िया होती है जो अपने पंखों की मदद से हवा में एक ही जगह काफी देर तक रुकी रह सकती है। वीडियो में भी हमिंग बर्ड की यही खासियत नजर आ रही है। देखिए किस तरह ये एक ही जगह रुककर जूस का लुत्फ उठा रही है। इसकी जीप काफी लंबी और डब्ल्यू के आकार में दो भागों में बटी होती है। जीप पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो फूलों का रस चूसने में उसको सहायता करते हैं। फूलों का रस पीते समय ये 22 से 72 बार तक अपने पंख फड़फड़ाती हुई हवा में एक ही जगह पर उड़ती रहती है, जो इस वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में इस वीडियो को खासा पसंद किया जा रहा है। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुत्ता तेजी से सीखने वाला जानवर भी है। इंसानों के करीब रहने की वजह से कई बार ये उन्हें कॉपी करने की भी कोशिश करता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें कुत्ता आइसक्रीम वैन से आइसक्रीम खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो स्पेन का बताया जा रहा है और इस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये कुत्ता अपने घर में मौजूद था, लेकिन जैसे ही इसने आइसक्रीम वैन देखी ये बेचैन हो उठा और दौड़कर आइसक्रीम लेने पहुंच गया। देख सकते हैं आप किस तरह अपने दोनों पंजों पर खड़ा होकर आइसक्रीम मिलने का ये इंतजार कर रहा है। £100 जीतने के लिए पोल पर लटकते एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने शेयर किया, जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा, अक्षय फोर्ब्स लिस्ट में नाम आने के बाद भी खुश नहीं है और उन्हें ये £100 भी जीतने हैं। दरअसल अक्षय कुमार इन दिनों अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस दौरान एक ऐसे गेम का हिस्सा वो बने जिसमें निर्धारित समय के लिए एक पोल पर लटकना होता है। इस दौरान विजेता को करीब £100 मिलते हैं। अक्षय भी उस पोल पर लटके थे जिसका वीडियो ट्विंकल ने शेयर किया। क्या आपने किसी अमेरिकी को तेलुगु बोलते देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो खास आपके लिए लेकर आए हैं। फेसबुक पर जबरदस्त हिट्स ये बटोर रहा है। अमेरिका के मोंटाना का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक आइसक्रीम स्टोर में भारतीय ग्राहकों को इस व्यक्ति ने तेलुगु बोलकर चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो को 6000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो में अमेरिकी नागरिक रिचर्ड अपनी तेलुगु सीखने के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि 2 साल तक वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद में रह चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने तेलुगु सीखी। अब एक ऐसा दावा जो आपके होश फाख्ता कर सकता है। जब से असम की ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आई है, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे पॉलिथीन में बंद होकर उफनती नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। ये दावा है कि वायरल वीडियो नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन क्या सच ऐसा ही है जैसा कि इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है? पॉलिथीन में बंद होकर नदी पार करने का सच सोशल मीडिया में वायरल। 1 मिनट का यह वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। बाढ़ की बर्बादी के बीच सामने आया यह वीडियो रोंगटे खड़े करता है। दावा है कि इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इससे पहले ना आपने कभी देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा, क्योंकि 60 सेकंड के इस वीडियो में मासूम बच्चे मौत के मुंह में जाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। पतली सी पन्नी में बैठकर छोटे छोटे बच्चे
इस उफनती नदी को पार करते हैं। दावा है कि यह वीडियो भारत के नॉर्थ ईस्ट का है, जहां बच्चे पॉलिथीन में बंद होकर उफनती नदी पार करने पर मजबूर हैं। मजबूरी है या स्कूल जाने का बच्चों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इस समय बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से यहां पर लोग बेहाल हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र के साथ तमाम नदियां इस समय उफान पर हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, स्कूल घर सभी ठप हो चुके हैं। लेकिन एक वीडियो जो कि दिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चे पॉलिथीन में भर के उनको नदी पार कराया जा रहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। हमारी लाई डिटेक्टर टीम के पास जब यह वायरल वीडियो पहुंचा तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई कि पॉलिथीन में बैठकर बच्चे भला नदी पार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने वायरल वीडियो को एक एक फ्रेम को बड़े ध्यान से देखा तो नजर आया कि दो लोग एक बच्चे को पॉलिथीन में बैठने के लिए कहते हैं। बच्चा पहले थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर वो घुटनों को मोड़कर पॉलिथीन में बैठ जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही बच्चा पॉलिथीन के अंदर बैठा, इस शख्स ने पॉलिथीन को ऊपर से पूरी तरह मोड़कर बंद कर दिया। हम आपको आगाह कर दें कि आप ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि बंद पॉलिथीन में ऑक्सीजन का कोई रास्ता नहीं। अब सवाल उठता है कि जब पॉलिथीन पूरी तरह बंद है तो बच्चा पॉलिथीन के अंदर सांस कैसे ले पाएगा। ध्यान से देखिए वायरल वीडियो में आगे क्या होता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे को पॉलिथीन में बंद करके एक शख्स नदी के उफान में उतर गया। नदी के बहाव में पॉलिथीन घसीटते हुए ये शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद ही सही ये शख्स पॉलिथीन में ले जा रहे बच्चे को लेकर दूसरे किनारे पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने बच्चे को पॉलिथीन से बाहर निकाल लिया। एक मिनट का ये पूरा वीडियो इस वक्त आपके सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है, क्या नॉर्थ ईस्ट में वाकई पॉलिथीन में बंद होकर बच्चे नदी पार कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट के किस जगह का है? अगर नहीं तो क्या है इस वायरल हो रहे वीडियो का सच? इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि पॉलिथीन में बंद बच्चा इतनी देर तक सांस कैसे ले पाया। पड़ताल की पहली कड़ी में हमने ये जानने की कोशिश की कि वायरल हो रहा वीडियो नॉर्थ ईस्ट में कहां का है। इसके लिए हमने वीडियो को ध्यान से देखा। वायरल वीडियो में हमें कई और बच्चों को पॉलिथीन में बंद करने और फिर नदी पार कराने की तस्वीरें दिखी, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जो हमारी पड़ताल को किसी मुकाम पर पहुंचाता हो। लिहाजा हमने इंटरनेट की मदद से ऐसी खबरें तलाशने की कोशिश की जिसमें पॉलिथीन में बैठकर बच्चे नदी पार कर रहे हों। तो इंटरनेट से हमें जो जानकारी मिली उसने वायरल हो रहे वीडियो का सच सामने ला दिया। हमें पता चला वायरल वीडियो वियतनाम का है और डेन बेन प्रांत के हुई हा गांव का है। यहां स्कूल पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, नदी पर कोई पुल भी नहीं बना है। बच्चों की स्कूली यूनिफॉर्म भीगे नहीं, इस वजह से वो पॉलिथीन में बैठकर नदी पार करते हैं। इसलिए यहाँ के बच्चों को पॉलिथीन में बंद करके स्कूल तक पहुंचाया जाता है और यहाँ का ये काम यहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं। ये खबर आई है वियतनाम से और वियतनाम का जो इलाका है काफी ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है और इन पहाड़ों के ढलानों से होते हुए इन बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है। तो हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो भारत के नॉर्थ ईस्ट का नहीं बल्कि ये वियतनाम का है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब जानना जरूरी था कि आखिर पॉलिथीन के अंदर बच्चा इतनी देर तक सांस कैसे ले सकता है, तो हमने एक्सपर्ट से इसके बारे में जानने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डिपेंड करता है कि जो प्लास्टिक बैग है उसका साइज कितना है। मेरे हिसाब से कि जो प्लास्टिक बैग है, अगर प्लास्टिक बैग ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा प्लास्टिक बैग होगा, तो उसमें हम बच्चा जो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो ले रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जो प्लास्टिक बैग में ऑलरेडी मौजूद ऑक्सीजन क्वांटिटी होगी, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मात्रा बराबर हो जाएगी तब तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। हमारी पड़ताल और एक्सपर्ट के बयान से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तो सही है, लेकिन उसके हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के होने का दावा गलत है। टीम न्यूज़ नेशन।
अब पड़ताल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट पर मचे सियासी घमासान की। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाढ़ की त्रासदी को बताती कुछ तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन तस्वीरें पोस्ट करते ही राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा। आखिर क्या था इन तस्वीरों में और क्या है इन तस्वीरों का सच, हमने इसकी भी पड़ताल की। राहुल गांधी की पोस्ट पर बाढ़ की तस्वीरों का सच। हिंदुस्तान के असम से लेकर यूपी बिहार तक बाढ़ का कहर मचा है। लोगों के घर पानी में डूबे, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरें वायरल हो रही। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों में मदद के लिए कहा। राहुल गांधी ने लिखा कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मैं इन सभी राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो आम लोगों के राहत और बचाव कार्य में तत्काल जुटे। इस कैप्शन के साथ ही राहुल गांधी ने बाढ़ की ये 4 तस्वीरें भी पोस्ट की, लेकिन उनकी पोस्ट की गई ये 4 तस्वीरें वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि इनमें से 2 तस्वीरों का इस साल आई बाढ़ से कोई लेना देना नहीं, 2 तस्वीरें पुरानी। इसको लेकर सियासी घमासान भी मच गया। राहुल जी का कसूर नहीं है, उनके पूर्वज तो वो भी इसी प्रकार के देश को गुमराह करते रहे थे। करना कुछ और कहना कुछ, करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा था। उनको लोगों का ट्वीट कर दिया है असम के, बिहार के लोगों को कहाँ मालूम है। बिहार के लोग समझेंगे राहुल असम में, असम के समझेंगे राहुल के बिहार की फोटो होगी। कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, एक परिवार डोमिनेट करके एक पार्टी को चलाता रहा लंबे समय तक, इसलिए कार्यकर्ता है, इसलिए झूठी ही फेक पोस्ट ही कहीं ना कहीं पेस्ट करेंगे जी। वायरल तस्वीरों पर घमासान मचा तो ये सवाल उठा कि क्या वाकई राहुल गांधी ने बाढ़ की पुरानी तस्वीरें लगाई, क्या पुरानी तस्वीरों के जरिए हालत को भयावह दिखाने की कोशिश की गई। सच जानने के लिए हमने राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल खंगाला। दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि राहुल गांधी ने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं या नहीं। तो हमें राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर कैप्शन मिल गया जिसमें उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की थी, लेकिन बाढ़ की तस्वीरें नहीं थी। हालांकि जब हमने इस कैप्शन के नीचे दिए गए कमेंट को पढ़ा तो पाया कि कई यूजर्स तस्वीरों के पुरानी होने का दावा किया है। इससे साफ है कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर बाढ़ की पुरानी तस्वीरें पोस्ट की गई, लेकिन जैसे ही उन्हें ट्रोल किया गया उन्होंने उन पुरानी तस्वीरों को हटा दिया। इंटरनेट पर रिवर्स इमेज सर्च से हमें जानकारी मिली कि वायरल तस्वीरों में से एक तस्वीर उत्तराखंड में साल 2013 की आपदा के दौरान एक लेख इस्तेमाल की गई थी और इसे 2015 में भी एक वेबसाइट पर छापा गया, जबकि दूसरी तस्वीर 2016 में असम में बाढ़ के दौरान गुवाहाटी में खींचे होने की जानकारी हमें मिली। तो हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रही बाढ़ की 2 तस्वीरें पुरानी होने का दावा सही। इन 2 तस्वीरों का 5 राज्यों में आई बाढ़ से कोई लेना देना नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।